हाय व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। मैं आज आपको मेरे इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ गृह ज्योति स्कीम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह से फिल करें। इसके लिए आपको टाइप करना है गूगल में एड्रेस बार पर sevasindhugs.karnataka.gov.in। टाइप करने के बाद इंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पर आपको स्कीम का पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपको करना पढ़नी नहीं आती है तो फिक्र मत कीजिए, ये जो बल्ब का सिंबल है इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। आपको लैंग्वेज चेंज करना है, इंग्लिश कन्नड़ा टू इंग्लिश करना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है जेस्कॉम। यहाँ पर आपको अकाउंट आईडी और कनेक्शन आईडी टाइप करना है। आपके लाइट बिल पर ये अकाउंट आईडी कनेक्शन आईडी रहेगा, आपको यहाँ पर टाइप करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिक्र की ज़रूरत नहीं है। आपके पास लाइट बिल पे करने के बाद एक रिसिप्ट जो रिटर्न में मिलती है उस पर रहेगा पेयर अकाउंट आईडी, वो 10 डिजिट का नंबर होता है। वो नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको ये जो अकाउंट होल्डर नेम एज इन एस्कॉम और अकाउंट होल्डर एड्रेस एज पर एस्कॉम जो है, ये दोनों ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है ऑप्शन ओनर टेनेंट। अगर आप मकान मालिक हो तो ओनर सेलेक्ट करना है, अगर आप वहाँ पर रेंट से रह रहे हो तो टेनेंट सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर टाइप करना है। आधार कार्ड नंबर टाइप करने के बाद आपका यहाँ पर नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो आधार कार्ड में आपका नाम है। और आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, आपके आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है वही नंबर आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद थोड़ा सा डाउन आइए, यहाँ पर आपको ये जो डिक्लेरेशन है आपको ये ठीक से पढ़ना है। पढ़ने के बाद एग्री के ऊपर एग्री का ये जो बॉक्स है चेक मार्क पर क्लिक करने के बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए आपने यहाँ पर जो मोबाइल नंबर डाला था उस पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल के उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई होने के बाद आपको ये जो वर्ड वेरीफिकेशन जो है 6 डिजिट का जो है ये नंबर यहाँ पर आपको डालकर सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने जो भी एप्लीकेशन में फिल किया है आपको यहाँ पर सभी दिखाई देगा। इसको आप वापस से एडिट करना अगर चाह रहे हो तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिया है, एडिट कर सकते हो। अगर सभी करेक्ट है तो सबमिट पर आपको क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके सारे डिटेल्स होंगे जो एप्लीकेशन आपका फिल हो चुका है। अभी आपको वो एप्लीकेशन का एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, इसको कहते हैं एक्सपोर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक करना है। वो एक्नॉलेजमेंट आपको आपके पास संभाल कर रखना होगा, फ्यूचर के लिए आपके लिए ज़रूर काम में आएगा। तो व्यूअर्स, हो सकता है एप्लीकेशन बहुत सारे लोग फिल कर रहे हैं जिसकी वजह से दिन में ट्रैफिक जाम होने की वजह से आपका ये वेब पेज ठीक से काम नहीं कर पाएगा, हो सकता है। तो इसके लिए आपको बेस्ट रात में 10-11 बजे के बाद आप ये फिलिंग अगर काम करोगे तो पूरा ठीक से काम करेगा। तो व्यूअर्स, वीडियो समझ में आ जाए और अगर आपका काम बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।